कहाँ जा रही हो तुम? जब तक तुम अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेते या मुझसे माफी नहीं मांग लेते, मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती। उस्मान आ गया घर वापस? जी आ गया, लेकिन अब उस पर गुस्सा मत कीजिएगा। कैसे ना गुस्सा करूं उसे, बिगाड़ कर रख दिया तुमने उसे। हमीद साहब, क्या बिगाड़ दिया मैंने उसे? तुमने नहीं बिगाड़ा ना तो तुमने सुधारा भी नहीं उसे। उसे समझाओ, माजी में रहना छोड़ दे, शफक का ख्याल दिल से निकाल दे। अब ये काम मेरे कहने से नहीं होगा। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं हो सकता ना, तो फिर तुम्हें नताशा से उसकी शादी ही नहीं करवानी चाहिए थी। ये उस बच्ची के साथ जुल्म है। क्या जुल्म किया मैंने? हमारे मुआशरे में ऐसे ही होता है, बहुत सारे मर्द तो छुपकर ये काम करते हैं। अगर मेरे बेटे का किस्सा किसी को पता है तो वो बुरा हो गया, सब मिलके उसे ताने देंगे। कैसी बातें कर रही हो नुसरत? ये मत भूलो कि जिस घर से वो आई है ना, उस घर में हमारी बेटी भी है। अगर नताशा को कोई मसला हुआ ना तो नौरीन को भी होगा। इसी बात को लेकर तो मैं परेशान रहती हूँ, वरना नताशा को तो मैं सीधा कर लेती। अब मुझे उसके सामने झुकना पड़ता है। ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? देख रहा हूँ नुसरत कि इतने बरसों में तुम पर मेरा कोई भी असर नहीं हुआ। आपने भी मेरी कोई बात नहीं समझी। समझी? तुमने आज तक ऐसी समझदारी की बातें ही कब की हैं जो मैं तुम्हारी बात समझता। अच्छा हमी साहब, अब आप सोचें, फजर में आंख नहीं खुलती आपकी।